झुंझुनू में 1,33,00,000 की लागत से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट की विधायक ब्रजेंद्र ओला ने विधिवत पूजा अर्चना कर आधारशिला रखी। ये प्लांट राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल में लगाया जाएगा। विधायक ने बताया कि ये प्लांट 1.5 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इस अवसर पर नगर परिषद आयुक्त अनीता कीचड़, BDK अस्पताल के PMO डॉक्टर BD बाजिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ऑक्सीजन प्लांट का कार्य का शुभारंभ किया है और ये जून के लास्ट तक या 15 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। इससे हॉस्पिटल को और जिले की जनता को इसका लाभ मिलने लगेगा। कोरोना की दूसरी लहर में यदि सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसी बात की पड़ी देश में, प्रदेश में, अपने जिले में, तो ऑक्सीजन की पड़ी। हमारा जून हॉस्पिटल द्वारा ये जब बन जाएगा तो न केवल अपनी आवश्यकताएँ की पूर्ति करेगा ये प्लांट, बल्कि और जहाँ भी आवश्यकता होगी किसी CHC पर हमें की चीज़ें तो उनकी भी पूर्ति करेगा। तो आज ये मानवता की सेवा में अच्छी काम।